वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के जो बीए पार्ट वन का सोशियोलॉजी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन लघुतरी क्वेश्चन है आज इसमें, जो 2022 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है हमारा कि समाजशास्त्र के मानविकी उपागम जो अभिमुखन है से क्या तात्पर्य है। तो आंसर इसका, समाजशास्त्रीय अध्ययन में मानविकी उपागम या अभिमुखन इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र को विशुद्ध सिद्धांतों के निर्माण का निर्माण पर ध्यान देने के बजाय सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मानविकी अभिमुखन उन वर्गों या व्यक्तियों के अध्ययन पर बल देता है जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। इसके बाद में समाजशास्त्र के मानविकी अभिमुखन की प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट विशेषता जो है, पहली विशेषता इसकी कि मानविकी अभिमुखन उपेक्षित, शोषित तथा कमजोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर बल देता है। जो पहली इसकी विशेषता है वो मानविकी अभिमुखन जो है वो उपेक्षित, शोषित तथा कमजोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर बल देता है। सेकंड इसकी विशेषता जो है वो सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए मानविकी अभिमुखन में व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को महत्वपूर्ण माना गया है। थर्ड है हमारा कि मानविकी अभिमुखन में अध्ययन के लिए आत्मकथा, डायरी, सहभागी, अवलोचन, जीवनी आदि प्रविधियों का प्रयोग उचित माना गया है। जो मानविकी अभिमुखन में अध्ययन के लिए आपके लिए आत्मकथा, ठीक है, डायरी, सहभागी, अवलोकन, जीवनी आदि प्रविधियों को का सॉरी प्रयोग उचित माना गया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि मानविकी अभिमुखन की मान्यता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अर्थ प्रधानता या बोध के आधार पर होना चाहिए। तो ये है आपका लघुतरीय प्रश्न जो 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं करा वो लाइक करें पहले,